दीना अनाथ अनाथ को भला हुआ संजोग जो तुम तारोगे नहीं तो हंसे करेंगे लोग। अभी भी हम इसको भ्रमण अनशन में तब्दील कर सकते हैं। हमारी करुणा भरी पुकार ये जो है निश्चित रूप से प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी। भूखा भी मत मारे सरकार, हमारी मर्यादाएं हैं कुछ, उन मर्यादाओं को हम तोड़ना नहीं चाहते। आपके जरिए हमारी आवाज उन तक पहुंचनी चाहिए। इसमें हंसी तो जो है सरकार की होगी। आंख दिखा के अपना काम करवा लेते हैं, मर्यादा में रह के अपना आंदोलन चला रहे हैं। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग, मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। ईपीएस 95 का मुद्दा अब एक बार फिर से गरमाने वाला है। सरकार की नजरों में एक बार फिर से ये मुद्दा जो है वो आने वाला है, लेकिन सरकार इस पर कितना ध्यान देती है, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि ईपीएस 95 पेंशनर जो है उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रचंड गर्मी में जो है वो रैली निकाली थी, और कितने तादाद में ये संख्या थी ये आप देख चुके हैं। और आज फिर से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और कल से जो होने वाला है ज़मीन पर उतरकर ईपीएस 95 पेंशनर जो हैं वो ज़मीन पर उतरकर सरकार की, जो सरकार नींद में सोई हुई है उन्हें जगाने का काम जो है वो अब फील्ड पर उतरकर करेंगे। तो हमारे साथ कमांडर अशोक रावत जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर कल से क्या जो है वो रहने वाला है और किस तरीके से अब अपनी बातों को जो है वो सरकार तक पहुंचाई जाएगी। सर बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई है, क्या मकसद है इसका? देखिए निशा जी, हमने अभी 7 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी रैली निकाली, कम से कम 40 से 50 हज़ार से ज़्यादा वृद्ध जन वहाँ पे इकट्ठा हुए। 8, 9, 10, 11, 12 तारीख को राम जंतर मंतर पे हमने अनशन किया, क्रमिक अनशन स्टेट वाइज। 13, 14 को हमने फिर आमरण अनशन शुरू किया था 13 को। 14 तारीख को मंत्री जी ने बुला के हमें आश्वासित किया कि आप ये आमरण अनशन मत करवाइए, मत करिए, मैं आपका काम करने वाला हूँ, हम लोग बहुत जल्दी आपका काम कर रहे हैं। तो जब उन्होंने ये आश्वासन दिया तो हमने आंदोलन टेम्प्ररी स्थगित किया, लेकिन हमने उनको समय दिया था 31 दिसंबर तक कि वो काम करें। उन्होंने नहीं किया, फिर 4 जनवरी को हमने उनको नोटिस दी, और उस नोटिस के हिसाब से 12 जनवरी को पूरे देश में ईपीएफओ के ऑफिस का घेराव किया गया, और उसके बाद अभी 31 तारीख से हम जंतर मंतर पे फिर से क्रमिक अनशन में बैठ रहे हैं राज्यवार। वो इसलिए कि सरकार का हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और उनको कहना चाहते हैं कि आपका अभी ये लास्ट इंटरिम बजट सेशन है, हमारा कुछ करिए, हमारे लोग रोजाना 200 लोग मर रहे हैं, तो इसलिए ये आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अब किस कैसे सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंच पाएगी, क्योंकि हर तरीके का अनशन प्रदर्शन रैली सब कर चुके हैं, वो आश्वासन देते हैं, आप आश्वासन में आ जाते हैं और अपना धरना खत्म कर देते हैं, तो वो आगे भी यही करेंगे, आश्वासन देंगे आप फिर धरना खत्म कर देंगे, ऐसे कैसे आपको अपना हक मिलेगा? देखिए हमारे जब लड़ने की बारी है, जब आंदोलन करते हैं तो हमारे लोगों का उम्र, उनकी सेहत, ये सब देखना पड़ता है। हम कोई जवान लोग नहीं है या पैसे वाले लोग नहीं है कि कहीं 5 स्टार में रह के आंदोलन करें, रास्ते पे सोने वाले लोग हैं, तो ये सब चीज़ें देख के आंदोलन को चलाना पड़ता है। दूसरी बात, वहाँ तक आवाज़ कैसे पहुँचेगी, उसी लिए लोकतंत्र में आपका जो महत्व है 4th स्तंभ का, वो आज आपको मैं बता दूँ कि आपके ज़रिए हमारी आवाज़ उन तक पहुँचनी चाहिए। क्या हम अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ उन तक पहुंचे, लेकिन कैसे आपकी मांगों को माना जाए, क्योंकि अभी तो आप हैं, आगे और भी आएंगे और चले, और आधे जो हैं वो जा चुके हैं, ये चेन जो है वो चलती आ रही है, कब ख़त्म होगी ये लड़ाई? ये लड़ाई जल्दी ख़त्म होगी, जल्दी हमारा काम होगा, और ये हमें विश्वास है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार हमें गारंटी दी है, तो इसलिए हमारा काम होने की बिल्कुल संभावना हमें नज़र आ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार बोला है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है, क्या कहेंगे? देखिए मैडम, विषय ऐसा है कि ये वृद्ध लोगों से संबंधित इशू है जी। परिवार में अगर जो है वृद्ध लोग हैं तो ये साहजिक है कि उनकी ओर ध्यान कम जाता है जी। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना सिर पटक लेते हैं, अपनी बात पूरी करवा लेते हैं, जो जवान बच्चे हैं अपने परिवार में वो थोड़ी आँख दिखा के अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन हम वृद्ध लोग हैं और हमारी जो इसको हम कहते हैं कि हम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं, हमारी मर्यादाएं हैं कुछ, उन मर्यादाओं को हम तोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी करुणा भरी पुकार और हमारी कलाएं
ये जो है निश्चित रूप से प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी और हमें निश्चित रूप से जो है सफलता मिलेगी जी। मैं तो एक साधक हूं, तो मैं तो ये कहूंगा कि कि परमात्मा की कृपा से वैसा बताते हैं कि परमात्मा से अगर जो है कोई संयोग आ जाए तो हमसे ज़्यादा उसकी जवाबदारी पूरी हो जवाबदारी ज़्यादा बनती है। ये सिस्टम है, तो मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि दीना अनाथ अनाथ को भला हुआ संजोग, जो तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग, तो इसमें हंसी तो जो है सरकार की होगी, उनकी साख न बिगड़े इसलिए जो हम मर्यादा में रह के अपना आंदोलन चला रहे हैं। हमारा आंदोलन निश्चित रूप से सफल होगा, ऐसा मैं पूरा विश्वास है। थैंक यू। हम आशा करते हैं कि इनके ये जो आंसू हैं ये वहाँ तक भी पहुँचे और उन्हें भी दिखाई दें जिन जिस दर्द से ये लोग गुजर रहे हैं। और कहते हैं कि घर का बुजुर्ग जब रोता है तो कहर टूटता है, ऐसा हमने सुना है। अब इनके आंसू जो हैं वो किस तरीके का कहर बरपाने वाले हैं ये जो है वो आपको आगे ही पता चलेगा। कैसे देखते हैं सर, आपका आपके साथी हैं बहुत इमोशनल हो गए हैं, दोहा भी बोल दिया है, सरकार को भी चेतावनी दे दी है, रिक्वेस्ट भी कर ली है, क्या लगता है? उतने लगन से वो काम कर रहे हैं, रात दिन 24 घंटे वो काम कर रहे हैं। और इसमें एक बताया जाए कि ये 2015 से हमारे कमांडर साहब ने लड़ाई शुरू की, इसके पूर्व जो है ये सब लोग जो है असंगठित थे, ये एक साथ नहीं आ पा रहे थे। और इस देश में जो कमी है ना, मेहनत करने वाले की, खून यानी पसीना बहाने वाले की कोई कीमत नहीं है। अगर होती तो ये 2015 से लेके अभी तक हमारा काम पूरा बन जाता था। तो भी एक उम्मीद लगाए हम बैठे हैं और बार बार इन लोगों से अपील कर रहे कि ये सब बूढ़े लोग हैं, ये ऐसे रोड पे इतने पैमाने पे नहीं उतर सकते। तो जो भी आ रहे, जो 40-50 हज़ार लोग अगर इंडिया से आ रहे, तो ये सब इनके रिप्रेजेंटेटिव है जो चल सकते, जिनके पास थोड़े बहुत पैसे है या दूसरे से उधार ले सकते, वो आए हैं। ये सरकार ना समझे कि इनके पास लोग नहीं है, लोग है मगर उनकी ताकत नहीं, मगर उनको भूखा भी मत मारे सरकार। यही हमारी सरकार से प्रार्थना है और आपसे प्रार्थना है, सभी मीडिया वाले से, कि आप हमारी आवाज़ बने और हमारी आवाज़ इतने ज़ोर से, डीजे से ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ उनके कान में आप लगाए। एक जनसैलाब हमने दिल्ली के रामलीला मैदान में देखा था और उस जनसैलाब में सिर्फ नॉर्मल नहीं, लगभग जिसे कहें कि सभी तरीके के लोग थे। एक शख्स थे जो व्हील चेयर पर भी आए थे, झंडा उन्होंने हाथ में लिया हुआ था और अपनी मांगों को मनाने के लिए सरकार को जो है वो नींद से जगाने का काम कर रहे थे। नहीं, ये तो सब बुजुर्ग लोग हैं, हम सब बुजुर्ग हैं, मैं खुद 73 ईयर का हूँ। हाँ, ये हमारा जो आंदोलन है ये सब बुजुर्गों का है, इसलिए हमारी जो ताकत है वो कम दिखाई देती है। सभी लोग यहाँ नहीं आ सकते, बहुत से कारण हैं, लेकिन सभी के दिल में इसके बारे में बहुत आस्था है कि हमारा काम हो जाए, प्रधानमंत्री हमारा काम करे। इसलिए हम पिछले 7-8 साल से ये आंदोलन चला रहे और हमें उम्मीद है, हमें उम्मीद है जो काम करता है वो काम करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये ऐसी हमारी उम्मीद है और इस उम्मीद से हम लड़ रहे हैं। अशोक जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी, क्या कहें, क्या क्या करेंगे अब आप लोग आगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी? हम कल से आंदोलन तो कर ही रहे हैं जंतर मंतर पे, राज्यवार, और ये आंदोलन चलता रहेगा। इसका कभी भी हम इसको आम अनशन में तब्दील कर सकते हैं। लोगों के मन में इतना रोष है, इतनी भावनाएं तीव्र है कि ये आंदोलन फिर अगर कुछ और तरीके में बदलता है, लोग तो यहाँ तक के आत्मदाह की बात करते हैं, हम रोकते हैं उनको, हम उनको बोलते हैं कि ये बात मत करो, लेकिन कुछ भी हो सकता है, सरकार को ये इसका जल्दी से जल्दी दखल लेनी पड़ेगी। EPS 95 पेंशनर्स की तरफ से आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सेशन शुरू होने वाला है और उसी सेशन को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है वो प्रदर्शन किया जाएगा EPS 95 पेंशनर्स की तरफ से। और साथ ही सरकार को अब ये चेतावनी भी दी गई है कि अब ये धरना जो है वो ख़त्म नहीं होगा,
आमरण अनशन में भी जो है वो तब्दील हो सकता है। और अब जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तब तक ये धरना और ये अनशन जो है वो यूं ही जारी रहेगा। बड़ा सवाल एक यही है, पहले भी तमाम प्रदर्शन धरने जो हैं वो किए गए थे इनकी साइड से, लेकिन उसके बाद आश्वासन मिलता है और आश्वासन मिलने के बाद जो है ये लोग अपना धरना ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इनकी मांगे जस की तस जो है वो धरी रहती हैं। सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिलता है, मांगों को मांगना नहीं जाता है। लेकिन अब देखना यही रहेगा कि आगे होता क्या है। अगर ये लोग अब प्रदर्शन करते हैं, अनशन करते हैं, और अब अगर आश्वासन मिलता है, क्या ये अपना धरना ख़त्म करेंगे या फिर मांगों को लिखित तौर पर लेने के बाद ही जो है वो अपना धरना ख़त्म करेंगे? आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।